स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टू की एक्सरसाइज नंबर फाइव और सिक्स, एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सरसाइज फाइव है आपकी एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में सभी को पता है, एक्सपांडेड फॉर्म आप लोग कभी से पढ़ रहे हैं। तो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कोई ये नंबर है, सॉरी 1 5 6 0 9, ये कोई नंबर है, तो इसको आपको एक्सपांड करना है। तो कैसे करेंगे, वन की प्लेस वैल्यू क्या है, ये पीछे से वापस आप प्लेस वैल्यूज, पहले सबसे पहला फर्स्ट काम आपको प्लेस वैल्यू पता करना ही है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, ये प्लेस वैल्यू है। तो वन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 10,000। तो हम डायरेक्टली लिख लें, या तो इसको लिखें 1 10,000, 5 की क्या है 1,000, 6 की 100, 0 की कोई वैल्यू नहीं है और 9 की है वंस। तो 1 की क्या है 10,000, तो हमने लिख दिया 10,000 प्लस 5,000, तो लिख दिया 5,000 प्लस 600, तो लिख दिया 600 प्लस 100 पे कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 9। तो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आपको खुद सेल्फ करना है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म, हमने थर्ड में भी पढ़ा है, फोर्थ में भी पढ़ ही रहे हैं, सेकंड में भी पढ़ रखा है हमने एक्सपांडेड फॉर्म। पर छोटी डिजिट्स आती थी, अब थोड़ी बड़ी डिजिट्स हैं। आपको हर नंबर को प्लेस वैल्यू पता करके और उनको एक्सपांड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ एज इट इज, जिस तरीके से मैंने आपको आगे समझाया उसी तरीके से इसको एक्सपांड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म्स। ये नंबर्स आपको एक्सपांडेड फॉर्म में दिए हैं, इनको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला नंबर है 50,000, 5 6 7 8 1, 50,000, 6,000, 781, 56,000, 50,000 प्लस 6,000 कितना, 56,781, ठीक है। अब बी सी डी ई एफ जी, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। बी सी डी ई एफ और जी, ये सब आपको एच डब्ल्यू करना है, होमवर्क में करना है। एच और आई में बता रही हूँ, 2 lakhs 3 10,000 4,000 200 5 tens और वंस पे जीरो है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 2 lakh 34,250 आपका नंबर हो जाएगा एच पे, ये एच का है, ठीक है। आई 47,309, वेरी इजी,
47,000 उसने डायरेक्ट लिख दिया। थ्री हंड्रेड नाइन ठीक है 47,309 विच ऑफ अब क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 58604 58604 का आपको एक्सपांडेड फॉर्म बताना है। यहाँ पर चार दिए हैं आपको जो सही आंसर है वो बताना है। तो क्या है 58,604 50,000 प्लस 8,000 प्लस 600 और 4 कहाँ दिख रहा है आपको? अभी तो देखो 600 की पोजीशन पे, मतलब यहाँ 60 है यहाँ 60 है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए आपके, है ना। अब 600 की पोजीशन यहाँ भी है यहाँ भी है, बट लास्ट में क्या है 4 जो है वो वंस की प्लेस पे है ना कि 40 पे, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी 58,604। फाइंड द करेक्ट ब्रेकअप एक्सपांडेड फॉर्म, ब्रेकअप मतलब एक्सपांडेड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग फोर। इस नंबर का आपको एक्सपांडेड फॉर्म ढूंढना है। तो क्या है ये देखिए, नंबर डिजिट गिन लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लैक, है ना। तो कितने डिजिट हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 डिजिट हो गई। तो 6 डिजिट वाला नंबर देखो, ए में देखो 6 डिजिट है क्या? 1, 2, 3, 4 नो, तो ए गलत हो गया आपका, ठीक है। बी वाला देखो, इसमें भी 4 डिजिट का ही नंबर हो रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर सी में देखो 70,000 प्लस 7,000 77,777 है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, आपका राइट आंसर है डी, क्योंकि 70,000 से चालू हो रहा है और हमारा नंबर लैक का है, तो 7,77,077 ये आपका राइट नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है? सिंपल है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका, हाउ मैनी आर, ये है। तो हाउ मैनी आर में फिफ्थ में पूछा है कि हंड्रेड्स, HUNDRED हंड्रेड्स इन, कितने हंड्रेड्स है इस नंबर के अंदर? 3705 एक नंबर है, इसके अंदर कितने हंड्रेड्स है? हाउ मैनी हंड्रेड्स आर देयर इन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर लिखा आपने 3705, थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है 1000, प्लस 7 की क्या है 100, प्लस 5 3705 ये नंबर है। तो हम 3000 मतलब 30 तो हंड्रेड्स हो गए, 30 हंड्रेड्स हो गए, और 700 मतलब 700 और हो गए, तो टोटल कितने हंड्रेड्स हो गए? 3700 टोटल कितने हंड्रेड्स हो गए? 3700 तो हम क्या लिखेंगे, देर आर 3700 इन दिस नंबर, ठीक है। इसे करके आपको अपनी कॉपी में नोट करना है बेटा पूरा, देर आर 3700 इन, क्या नंबर है आपका 3705। आया समझ में बच्चों? एक और करके बताती हूँ मैं आपको, मैं बताती हूँ टेंस वाला करके बताती हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, टेंस इन 695, 695 में कितने टेंस है? तो हमने नंबर लिख दिया 695, 600 प्लस 90 प्लस 5 किया तो कितने 600 में कितने टेंस मिलाएंगे? तो 600 आएगा 60, राइट? 60 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। 60 टेंस प्लस 90 लाने के लिए कितने टेंस हो जाएंगे? 9 टेंस। तो क्या आ गया आपका आंसर? 69 टेंस। 69 टेंस इन दिस नंबर, ठीक है? तो हमने लिख दिया देयरफॉर देयर आर 69 टेंस इन 695। आ गया समझ में? ठीक है, आपको पहले उसको एक्सपांड कर दो नंबर को, फिर इजीली आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में आप पता लगा सकते हो। ये 69, यहाँ पे हमने क्या लिखा 37, कौन दो नंबर आपको। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 आपको होमवर्क में करना है। 6, 7 और 9। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6, वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या है? ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, हमने सब ने पढ़ा है बचपन से, पढ़ते आ रहे हैं हम ग्रेटर देन और लेस देन क्या होते हैं। नंबर्स हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर देखो, सबसे फर्स्ट आपको 3 डिजिट का नंबर दिया है और 4 डिजिट का नंबर दिया है। फर्स्ट में देखो 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर दिया है, तो आप इजीली पता लगा रहे हो कि जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो हमारा ग्रेटर नंबर है। तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसके सामने चिड़िया की चोंच ऐसे खुली रहती है, ठीक है? सेकेंड देखिए, अगेन वो भी 3 डिजिट है और 4 डिजिट है, तो जो 4 डिजिट वाला है वो बड़ा है। थर्ड वन 54107, 54 5 से स्टार्ट हो रहा है, हम लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट अगेन ये 5 डिजिट का नंबर है, वो 4 डिजिट का नंबर है, जो 5 डिजिट का है वो बड़ा है। तो 5, 6 आप खुद करेंगे। 7 वाला देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक जगह नंबर नेम दिया है और एक जगह आपको नंबर दिया है, नंबर इन फिगर्स और एक जगह नंबर नेम दिया है। इधर क्या लिखा है? 20,312, और आपकी राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? 20,312। तो दोनों जगह सेम ही लिखा है, तो ये इक्वल्स टू आ गया। 8th, अब एक जगह आपको नंबर्स इन फिगर्स दिया है और दूसरी जगह आपको नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, ठीक है? तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 541,316 नंबर दिया है आपको। अभी देखो यहाँ पर भी सबसे फर्स्ट 540,1,300 टेंस और 6 ऐसे ही दिया है यहाँ पर भी, तो दोनों नंबर सेम है। अगर हम इस एक्सपांडेड फॉर्म को प्लस करेंगे तो यही नंबर आएगा, इसलिए यहाँ पर भी इक्वल्स टू आ जाएगा। तो 9th वाला आप सेल्फ करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको होमवर्क में कौन कौन से दिए? 5, 6 और 9, 3 ही दिए होमवर्क में, ठीक है? नेक्स्ट 10th, find the greatest and the least number in each group of number. आपको greatest मतलब बड़ा number और एक least मतलब छोटा number दोनों find करने हैं हर number में से, मतलब A, B, C, D
तीन चार दिए हैं आपको, उसमें हर में आपको दो दो नंबर निकालने, एक ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट। मैं ग्रेटेस्ट को ब्लू कलर से सर्कल करूंगी या अंडरलाइन करूंगी और लीस्ट नंबर को मैं रेड कलर से अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर 25,000, 25,000, 23, 23, 25,330 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 25,333। और लीस्ट नंबर हमारा हुआ 23,305। नेक्स्ट 90909, 90999, 99009 और 99000। अभी ये 90,000 की लाइन चल रही है। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 99,009। लीस्ट ग्रेटेस्ट नंबर 99,009 और लीस्ट नंबर क्या हो गया? 90,099। ये लीस्ट नंबर हो गया आपका। सी चारों में 27,000 दिया है। ठीक है, एक में 81 है, एट में 8,001 है, तो 5 डिजिट है, लेख में है 2,70,081, 2,78,001, 2,70,001, 2,70,801। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 2,78,001। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 2,78,001। और स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर हमारा हो गया 2,70,001। डी 741,655, 741,565, 565, 565, 565, 655 है और 665 है, तो बड़ा नंबर क्या हुआ? 665। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 556। लिस्ट नंबर 556। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपको HW में करना है। मैं बता देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बड़ा, बढ़ाना, है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा आपको जमाना है, छोटे से बड़ा। ठीक है, नोटबुक में करना है आप सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको HW करना है नोटबुक के अंदर। डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। बड़े से छोटा, ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे जमा के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको यहाँ चार नंबर दिए हैं, आप में बताना है कि कौन सा नंबर आपको
कैसे अरेंज करा हुआ, डिसेंडिंग में अरेंज करा हुआ है या असेंडिंग में? अभी आप यहाँ देखो 2500, फिर 25001, 29000, 92000, फिर 92000, मतलब ये छोटे से बड़ा हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर इसका? असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे? ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट, अगेन सेम, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो फिर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। फिर आप देखिए घट रहा है नंबर को, क्या हो रहा है? 72,000 था, 72,27,011 है, फिर 7,27,000, फिर 26,000, फिर 17,000, फिर 11, फिर 1,000, तो ये डिक्रीज हो गया है, तो डिसेंडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DESCENDING, descending order। Next, 25,000, फिर 24,000, 20,000, 18,000, अगेन क्या हो रहा है? Descending order। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर नंबर डिजिट्स दिए हैं, उनसे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बनाना है। एक आपको करके बता रही हूँ, जैसे आपके पास ये फाइव डिजिट है 84620, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर आगे लिखेंगे 2, फिर 0, फिर 4, 6, 8, राइट? ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर आप आगे लिखेंगे 8, 6, 4, 2, 0, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट। तो इसी तरह आपको बी सी और डी होमवर्क में करना है, ठीक है? नेक्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी आपको सिक्स डिजिट दिए हैं, इन्हीं को लेके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी है HW। नेक्स्ट 16, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट रिपीटेशन अलाउड। मतलब आपको यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको तीन तीन नंबर दिए, तीन नंबर और दो नंबर ऐसे दिए, और आपको डिजिट कितने बनानी है? फाइव डिजिट नंबर बनाना है। क्या करना है? फाइव डिजिट नंबर बनाना है। तो मैं आपको सी वाला लेती हूँ, ठीक है? सी लिया मैंने, इसमें आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कैसे बनेगा? दो नंबर है 3 और 6, स्मॉल नंबर कौन सा है? 3। तो 3 को हम फाइव डिजिट के लिए 3 को कितनी बार रिपीट करेंगे? 1, 2, 3 और 4 टाइम्स रिपीट करेंगे और फिर लिखेंगे 6। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बन गया। और ग्रेटेस्ट के लिए 6 को हम रिपीट करेंगे 4 टाइम्स, 6, 6, 6 और 3, तो ये ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर बन गया। समझ आया? उसी ए और बी आपको करने की कोशिश करना है। इसी तरीके से हम बी में 0 नहीं लेंगे, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए? 1 के बाद हम लेंगे 0, 1, 0, 0, फिर 0
और 5, तो ये हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम 5 को रिपीट करेंगे, 5 5 5, 3 times 5 और 1 और फिर 0। ऐसे आया समझ में बच्चों? ठीक है, 2 मैंने करवा दिए, ओनली आपको ए वाला करना है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट रिपीटेशन अलाउड। सेम आपको जैसे मैंने 5 डिजिट का बनाना बताया, वैसे 6 डिजिट का आपको ये नंबर बनाना है। जैसे मैं सी वाला करके बता रही हूँ, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1 ले लिया हमने, है ना, 1 है, फिर उसके बाद 0 लेंगे हम, 0 0 0 0, कितनी बार आ गया, कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए और हमने 4 ले लिया, तो ये हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम 4 को रिपीट करेंगे, 4 4 4 4 4, 5 times 4 ले लिया और फिर 1 और फिर 0, तो ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्या बना, 4,44,000, 4 sorry 44,4,0। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का 4 करोड़ आ गया, है ना, 4 करोड़ 4,44,410। चेंज द पोजिशन, क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द पोजिशन ऑफ द डिजिट इफ नेसेसरी टू गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, अगर जरूरी हो तो ही आपको पोजिशन चेंज करनी। तो कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर 1 ही है, फिर 3 है, फिर क्या आता है 5, फिर 8 और फिर 9, तो हमारी 5 और 9 की पोजीशन चेंज हो गई। सेम सबसे छोटा नंबर 4, अगेन 4, 5, 7 और 8, सी और डी सेल्फ करेंगे। चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट इफ नेसेसरी गेट द 19 बी एच डब्ल्यू। जैसे मैंने 5 डिजिट का बताया, उसी तरह आपको 6 डिजिट का करना है। वहाँ स्मॉलेस्ट नंबर था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है। बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर आपका 8 से चालू हो रहा है, तो 8 से आपको चालू करना है और फिर करना है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट। Using only one digit, question number 20 का A, क्या करना है आपको, greatest five digit number बनाना है। A की digit को लेंगे तो greatest five digit number कौन सी digit लेंगे, 9। 9 डिजिट ली और उससे हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया 1 2 3 4 5 99,999। फिर सारी डिफरेंट डिजिट लेके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो सारी डिफरेंट डिजिट ले लो, 1 2 3 4 5, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 5 4 3 2 1, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ऑल डिफरेंट डिजिट्स बट 3 इन 100 प्लेस। सी में क्या बोला है,
सारी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, पर 3 की प्लेस क्या होनी चाहिए, 100 पे होनी चाहिए। अगेन हमने 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट्स ले ली, तो फिर हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100। आया समझ में? उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है। सारी डिजिट डिफरेंट लेनी है, फिर 2 डिजिट डिफरेंट लेनी है, फिर ओनली 2 डिफरेंट डिजिट विथ 3 इन द लेग्स पोजिशन। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, लेग पे होगी, ठीक है। ऐसे करके आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 285 ओनली वंस असेंडिंग ऑर्डर में जमा के। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो 2, 5, 8 आपका ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 302 ओनली वंस देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो बड़े से छोटा, तो 3, 2, 0, ओके। तो इसी तरह आपको कंप्लीट करना है, जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।